जेलीफिश दुनिया की हर समंदर में पाई जाती है। यह एक साफ पानी के झील या नदी में आसानी से मिल सकती है। जेलीफिश में दिमाग, दिल, फेफड़े और हड्डियां नहीं मिल होती हैं। जेलीफिश में फेफड़े नहीं होते हैं, इसलिए वे हमारी तरह सांस भी नहीं ले सकती हैं, क्योंकि इनकी त्वचा इतनी पतली होती है कि वे अपनी त्वचा से ही सांस लेते हैं। जेलीफिश के पूरे शरीर का 95% पानी से बना होता है। बॉक्स जेलीफिश नाम की एक ये जेलीफिश है जिसे सबसे ज़्यादा खतरनाक जेलीफिश माना जाता है। दुनिया में 2000 से अधिक विभिन्न प्रकार के जेलीफिश पाए जाते हैं। यदि एक जेलीफिश को बीच में से काट दिया जाए और यह अपने आप को पुनः उत्पन्न कर सकता है और दो नए जेलीफिश बना सकता है। मारा गया एक जेलीफिश भी डंक मारकर व्यक्ति की जान ले सकता है। हर साल की तुलना में जेलीफिश के कारण अधिक लोग मारे जाते हैं जितने शार्क से नहीं मारे जाते। भले ही हम जेलीफिश के टेंटेकल्स को उसके शरीर से अलग कर दें, फिर भी यह डंक मार सकता है और व्यक्ति की जान ले सकता है। जेलीफिश के समूह को एक स्मैक, ब्लूम और झुंड कहा जाता है। दुनिया की सबसे छोटी जेलीफिश का नाम क्रीपिंग जेलीफिश है। एक अकेला बॉक्स जेलीफिश के जहर से लगभग दुनिया में 60 लोगों की जान ये एक साथ ले सकता है। एक अकेला बॉक्स जेलीफिश की ऊपरी हिस्सा जो बिल्कुल मशरूम जैसा दिखाई देता है उसे हम वेल कहते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी जेलीफिश का नाम लॉयंस मैने जेलीफिश है जिसका तंबू 120 फीट तक की लंबाई का हो सकता है। एक बॉक्स जेलीफिश व्यक्ति की दिल की धड़कन को 2 मिनट के भीतर ही रोक देता है जो उसे उस व्यक्ति को मौत के करीब ले जाता है। कुछ लोगों को इसका देखना बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि यह मानव आंखों के लिए लगभग अदृश्य हो सकता है। 95% पानी से बना होता है, इसलिए यह आसानी से नंगी आंखों से नहीं देखा जा सकता। हालांकि नाम में जेलीफिश शब्द का उल्लेख किया गया है, लेकिन यह मछली नहीं होती है। जेलीफिश जाल या डंक की तरह अपनी पूंछ का प्रयोग करते हैं। अधिकांश मनुष्य के लिए हानिकारक नहीं है, लेकिन कुछ प्रजाति जैसे कि बॉक्स जेलीफिश डंक बहुत ही दर्दनाक होता है और कभी कभी यह व्यक्ति की मौत भी मार कर सकता है। जेलीफिश, प्लंकटन और कुछ समुद्री कछुए ऐसे जानवरों या जीव जंतुओं को वह खाते हैं। ये थी आज के 20 फैक्ट हमारे जेलीफिश से रिलेटिव। अगर आपको हमारी जानकारी, हमारी नॉलेज आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।